गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में 255 वैकेंसी जारी हुई है और ये वैकेंसीज बीएससी नर्सिंग की हैं। अगर आपने बीएससी कर रखी है तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि इन वैकेंसीज में सैलरी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और वैकेंसीज की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वैकेंसीज यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन वैकेंसीज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आया था, आज की वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, किस किस डेजिग्नेशन पे क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस किस क्वालिफिकेशन पे ये वैकेंसीज़ हैं, आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स की तरफ से है और इस नोटिफिकेशन के अंडर में 255 वैकेंसीज हैं। 13/10/2023 को ये लेटेस्ट अपडेट आई थी इसकी। नोटिफिकेशन तो पहले ही आया है उसका, मैं आपको नोटिफिकेशन में बाद में लेकर चलूंगा, पहले इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये टोटल वैकेंसी 255 वैकेंसीज हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपये प्लस 300 रुपये आपको जीएसटी पे करना होगा इसकी ऑनलाइन फ़ी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं 1770 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी इसके अंदर, 1500 प्लस 270 रुपये इसमें जीएसटी लगेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसमें कोई फ़ी नहीं है, पेमेंट ऑनलाइन आप पे इसमें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, अप्लाई करने की 10/10/2023 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 7/11/2023 इसमें रहेगी। मैक्सिमम एज इसमें चाहिए 40 साल, मिनिमम 21 साल। एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा आपको एज पर द जो रूल्स रेगुलेशन है। कैंडिडेट शुड पोजिस जीएनएम, अगर आपने बीएससी कर रखी है नर्सिंग तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हो गई मोटी मोटी चीज़ें। पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स की वैकेंसी 255 वैकेंसी। अब इसके मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेकर चलता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके काम आने वाली, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। अब इसका नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, दोनों लैंग्वेजेस में। देखिए, सबसे पहले ये हिंदी में दे रखा है, स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है, ये जिम्स ग्रेटर नोएडा के अंदर, और ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। www.jims.ac.nic इन पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके ये वैकेंसीज आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप उसको क्रैक करते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, 80% जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस्ड आएंगे आपके नर्सिंग नॉलेज के, 20% जो आएंगे वो व्यावहारिक ज्ञान होगा, मतलब सामान्य ज्ञान आपका होगा। सिलेबस जो है वो इसके अंदर दे रखा है नोटिफिकेशन का, इसकी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके करना होगा जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, www.jims.ac.in पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिलिंग अप द बैलेंस डिटेल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी, अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर, अदर चीज़ें जो अपलोड करने की डिमांड होगी वो अपलोड करना होगा। लास्ट में पेमेंट आपको करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और प्रिंट आउट आपको लेना होगा जब आप फाइनल इसमें कर लेंगे, मतलब आप इसमें अप्लाई आवेदन कर लेंगे। स्टाफ नर्स की वैकेंसी टोटल 255 वैकेंसी, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक इसमें पे स्केल आपका रहेगा। महिलाओं के लिए 20% है, और अगर आप डिसेबिलिटी है 4% है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है 5%, और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सैनी है तो 2% आपकी इसमें जो आपका आरक्षण रहेगा वो रहेगा। अब देखिए, नीचे चलते हैं, और क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। शुल्क मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, क्या ऑनलाइन इसकी फ़ीस रहेगी, और आयु सीमा भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और अब देखिए, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन की नीड है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बट एक बार और मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें देखिए, क्वालिफ़िकेशन के कॉलम में दे रखा है, और ये क्वालिफिकेशन इसमें बीएससी नर्सिंग चाहिए, 4 साल का इसमें कोर्स होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड, और मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएससी, या तो अगर 4 साल का आपके पास बीएससी नर्सिंग है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स है आपके पास, रिकॉग्नाइज नर्स मिडवाइफ एंड स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से, तब भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में है, जीएनएम है, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज स्टेट इंडियन
यूनिवर्सिटी है कोई भी या इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बट इसमें 50 बेड के हॉस्पिटल में आपने काम किया होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा GNM है। अगर आपके पास BSc 4 साल का है तो आप डायरेक्टली अप्लाई इस वैकेंसी को कर सकते हैं। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो मैंने कवर अप कर दी इस नोटिफिकेशन में। कुछ इसमें सर्टिफिकेट अटैच्ड हैं वो आपको फिल करने होंगे अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें देखिए ये प्रमाण पत्र दे रखे हैं, वो आपको इसको फिल करके अपलोड करने होंगे। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।